हरियाणा में एक बार फिर से नई सरकार का गठन हुआ है। इस बार खट्टर नहीं, इस बार हरियाणा की कमान नायब सैनी के हाथों में है। इस शपथ समारोह में कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में अनिल विज नहीं पहुंचे हुए हैं, वो अम्बाला में ही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल दत्तात्रेय बंजारू और मनोहर लाल भी मौजूद हैं। नायब सैनी ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो अम्बाला के रहने वाले हैं। साल 2019 में वो कुरुक्षेत्र सीट से सांसद बने। इसके साथ ही वो हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही हरियाणा में कोई डिप्टी सीएम नहीं रहेगा। वहीं रणजीत सिंह चौटाला ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ये सिरसा के रनिया के निर्दलीय विधायक रहे हैं। वहीं सैनी सरकार में जाट चेहरे के रूप में जयप्रकाश दलाल ने मंत्री पद की शपथ ली। वो मनोहर लाल में चार मंत्रालय संभाल रहे थे। डॉक्टर बनवारी लाल ने भी सैनी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। मनोहर लाल सरकार में वो दो मंत्रालय संभाल रहे थे। रेवाड़ी जिले की बवाल सीट से विधायक हैं। सैनी सरकार में वो दलित चेहरा हैं। मनोहर लाल कैबिनेट में शामिल रहे। वहीं अनिल विज के साथ ही राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, संदीप सिंह और कमलेश ढाड़ा को नए मंत्री मद से छुट्टी दे दी गई है। वहीं अनिल विज ने अपने एक्स हैंडल बदलते हुए एक्स होम एंड हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा लिख दिया है। इसके साथ ही सीएमओ हरियाणा ने अपने एक्स हैंडल को नायब सैनी को हरियाणा सीएम के रूप में अपडेट कर दिया है। साथ ही उनकी तस्वीर को भी अपलोड कर दिया है।